मैं न्यायालय एडवोकेट हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत, जिसका मैं प्रदेश का संयोजक हूँ। और जो प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है संगठन के द्वारा, उसमें महामंडल इसमें अलीगढ़, आगरा और बरेली मंडल आते हैं, उसका संयोजक हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत पिछले 4 सालों से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत कराता रहा है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम ना उठाए जाने के कारण अधिवक्ताओं में आक्रोश है। और अधिवक्ताओं ने, संगठन ने ये तय किया है, इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में फिर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आज 10 अगस्त को महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो हमारी मुख्य मांगे हैं उसमें यह है कि उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में SC ST OBC माइनॉरिटी के जजों को बनाया जाए। सभी विभागों में जो अधिवक्ता पैनल तैयार किए जाते हैं उनमें SC ST OBC अधिवक्ताओं की भागीदारी हो। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो अधिवक्ता जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 65 साल हो चुकी है और 30 साल की या प्रैक्टिस हो गई है, उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए। हमारे जो अधिवक्ता जूनियर हैं, जिनका काम नहीं चल पाता है, इसलिए 30 साल की उम्र तक अथवा 5 साल के प्रैक्टिस करने तक उन्हें 5,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाए। सभी अधिवक्ताओं को 5,00,000 तक का बीमा किया जाए, चिकित्सा बीमा। ये हम लोगों की मुख्य मांगे हैं। दूसरा ये है कि जो टीन टप्पड़ के नीचे अधिवक्ता बैठते हैं, इससे अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि न्यायालयों की गर्माहट होती है, इसलिए सभी अधिवक्ताओं को चेम्बर बनाकर दिए जाए। ये मुख्य मांगे हैं जिनके लिए हम राज्यपाल महोदय को आज जिलाधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं, उनको आज ज्ञापन देने हम लोग जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अधिवक्ता साथी